थे, और ये जो रब्बी रवा का झूले से ये तय हो गया था कि 28 तारीख को निकलेगा 28, बट 29 को क्यों निकला, इस रीज़न से हम एजू भाई से बात करेंगे। सलाम वालेकुम एजू भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे के। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि मुझे बहुत लोग बोलते भाई ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा, तो मुझे रब्बी रवल का ब्लॉग डालना था, इसलिए मैं रुका था। तो रब्बी रवल की तैयारी चली है, आवाज से एकदम बैठ गई, प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 12 दिन में थी हमारे, 12 दिन हमारी डेट एकदम फिक्स रहती है, कहीं ना कहीं फिक्स रहती है। अभी डेट चल ही रही है, अभी मैं उधर से आ रहा हूँ, आवाज़ तो बैठ गई है क्योंकि कल रात पड़ा था, आज हिम्मत नहीं थी, तो आज डब बजाया। तो अभी रब्बी रवल का ब्लॉग बनाने वाला, तो मैं रात में स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैं सोचा कि पूरी राबड़ी घूमते हैं, बट कैसे है मैंने क्या, मैं सोचा अभी बहुत थक गया हूँ थोड़ा, इसलिए ऊपर आ गया हूँ। तो अभी ना हम अगर जाएंगे ना तो फजर में जाएंगे, और फजर में जाएंगे या कल ना रात में मैं दिखाता हूँ आपको रब्बी रवल, क्योंकि अभी थोड़ा किस किस का लगाना बाकी है, फिर मिलते हैं करा। और मेरे घर पे भी डेकोरेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डेकोरेशन। अभी बाहर चल ही रहा है, गैलरी में बलून्स लगा रहे हैं, और मैं रात में इसलिए छूट लेता, सुबह तक थोड़े बलून्स में से हवा निकल जाते ना, तो अभी फिर मिलते हैं, बलून्स देखते हैं। और अब अगर हम जाएंगे ना तो कल फजर में पूरी राबड़ी घूमेंगे, या रब्बी लवल के बाद, मीन्स रब्बी लवल तो चालू है मिलाद के बाद। ओके, फिर मिलते हैं, बलून देखते हुए। सब ने ही दिन ये मनाया, सजाया गया है। मैं आपको दिखा दूं पूरी राबड़ी, हम जब घूमेंगे जब देखेंगे। और ये तो कल लगाया गया है ये झंडा, और ये चांद तारा, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये तो मैंने कल लगाया था मीन्स भाई लोग के साथ। और इधर भी सब सजाए, सब ने बहुत मेहनत की, माशाल्लाह पूरी राबड़ी सज गई है। फिर अभी हम राबड़ी में जब घूमेंगे तो जब मिलते हैं जब उसका देखते हैं। और आगे भी सब हर बिल्डिंग में लाइट लगी हुई है, बहुत जने लाइट लगा, हमारे बिल्डिंग में भी बहुत जने लाइट लगा है। सो गाइस देखो जैसे कितना प्यारा दिख रहा है, और माशाल्लाह जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे इससे प्यारा दिखेगा। बलून्स, सुबह हो गई है, मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, भाग भाग के एकदम भाई, बहुत थक गया, बहुत थक गया, एकदम भाग भाग के आना पड़ा, क्योंकि अभी जैसे मैंने नमाज पढ़ा और 2:30 बजे तक इधर टच होना, और ऑलमोस्ट 2:10 हो गए, फटाफट तैयार होता हूँ मैं, सुबह लेने वाला था बट अभी शाम में लूँगा, जैसे कि आपको क्लिप बोला था, फिर शाम में मिलते, बहुत थक गया, फटाफट तैयार होंगे, तैयार होकर मिलते हो, फिर डायरेक्ट उधर मिलेंगे, तैयार हो गए, जैसे मैं आपको बोला था मैं उधर मिलने वाला था। अभी मैंने नीचे से शूट किया, और ये हमारे फरहान और नोमान दोनों आए हैं। अभी टाइम बहुत हो गया, अभी साफा सा पूरा ले लिए, और मेरा साफा भी इधर है, ये दोनों खड़े, फिर मिलते आगे चलते। और गाड़ी भी इधर सब पार्किंग पीछे कर दी है, क्योंकि अभी पुलिस आई थी बोलने के लिए, तो अभी फिर मिलते हैं अभी इधर डायरेक्ट दरगाह के पास। नहीं, और क्या बोलते, मेरे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अरे जीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम, तुम भी आ गए क्या? और भाई क्या महफिली फिल्म चल रहे हैं? चलो भाई, चलो चलो, इधर का शूट रात में लेंगे, साफ वाफा पूरा ले लिए, फिर अभी मिलते डायरेक्ट उधर। तो इधर भी सजा गई, हम इधर का रात का क्लिप लेंगे, बट दोपहर का तो मैं दिन का ले लेता हूँ। हर जगह की तैयारी चल रही है, सब इधर है, फिर अभी मिलते हैं आगे जाने के लिए। आगे भी बहुत अच्छे से सजाए गए हैं, जब अभी जुलूस निकलेगा तुम देखेंगे। जाकिर भाई कुछ बोलना चाहिए हमारे चैनल पे? आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते भाई, और सब ठीक? माशाल्लाह आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र, आज बारिश ना हो यार, अल्लाह करे आज बारिश ना हो, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी नहीं, कल तो बाप रे, कल तो इतनी बारिश थी क्या पूछो मत, आज तो नहीं है। अभी चलते हैं आगे का देखते हैं, कैसे सब कमेटी वाले तो खड़े ही थे, दरगाह का भी लेते क्लिप। अच्छा बाबा के पास, तो अभी हम चलते हैं, शायद पीछे खड़ी रहेगी, अभी जाके देखते सब कमेटी वाले रह गए इधर। बस क्या है भाई, यूट्यूबर। चलो माशाल्लाह इधर भी सजाए गए, कमेटी की तरफ से, ये दरगाह कमेटी की तरफ से हमारे अफगानी लोग, कोई तो दिख ही नहीं रहा है, शायद सब आने वाले अभी धीरे धीरे, तो अभी देखते हैं अभी इधर का क्या है कैसे। माशाल्लाह,
साया खेलते होते हसन हुसैन मेरे साया खेलते होते हसन हुसैन मेरे साया खेलते होते कि मुझको उनका खिलौना इधर हमारी कमेटी के मेंबर आए हैं। बोला गया था कि हम आपके सब बाबा के पास आने, तो अभी सब आ रहे धीरे धीरे। और ये भी हमारे मामू है, जैसे आपको बताया था मेरे बर्थडे के ब्लॉग में, तो इनने भी न्यू ब्लॉग चैनल पर इनको भी सपोर्ट करो। मामू आपकी आईडी का नाम कामवली ब्लॉग है, मामू ने अभी भी चालू किए, वो भी ब्लॉग बना रहे, मैं भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इनको भी सपोर्ट करो, जैसे मुझे सपोर्ट करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया। अभी मिलते हैं जब सब आ जाएंगे दरगाह के पीछे, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हम हमारे कमेटी मेंबर से मिलते। और ये जो रब्बी रवा का झूले से ये तय हो गया था कि 28 तारीख को निकलेगा 28, बट 29 को क्यों निकला, इस रीज़न से हम एजू भाई से बात करेंगे। सलाम वालेकुम एजू भाई। वालेकुम सलाम भाई। एजू भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे थे कि 29 तारीख को क्यों निकला, इसके पीछे का वजह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुन्नी कॉर्पोरेट कमेटी के मेंबर से हूँ, और ये बताना चाहता हूँ, ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि 28 तारीख को ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाला जाने वाला था, लेकिन 28 तारीख को गणेश चतुर्थी के कारण दोनों जुलूस एक ही वक्त पे था, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली थी लोगों में। तो इस मुद्दे पर हमारे ऑल इंडिया के सारे जितने भी महाराष्ट्र के हमारे उलमाए कराम थे और काफ़ी जो लोग थे जिम्मेदारान, उन्होंने फैसला किया कि 28 तारीख को जुलूस निकालने के कारण तकलीफ हो सकती थी, आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी हिंदू मुस्लिम का, तो इसी कारण ये जुलूस को 29 तारीख को निकाला गया, ताकि हिंदुस्तान में एक भाईचारगी रहे और भाईचारगी बना रहे। इस कारण इस 28 तारीख के जुलूस को 29 तारीख को निकाला जा रहा है। तो आप तमाम हजरत से गुजारिश है कि 29 तारीख को जुलूस में शिरकत करके सवाब एजारन हासिल करें। थैंक यू सो मच एजू भाई। तो जैसे कि एजू भाई ने बताया है, यही कारण था, अभी हमारी जुलूस की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बस अभी सब कमेटी के मेंबर आ गए, सब आ ही रहे धीरे धीरे, फिर अभी हम मिलते हैं उनसे जाके। हो गया है, अभी हम फोटो शूट ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। अस्सलाम भाई। राहिल भाई, मेरा ब्लॉग चैनल कुछ बोलना चाहेंगे? आप बहुत तरक्की करो भाई, लाइक करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू राहिल भाई। सब कमेटी के मेंबर गाड़ी वीडी सच के आ गई माशाल्लाह, हम सब ने देख रहे, फटाफट हम निकलते हैं, निकलने के टाइम पे मिलते हैं, सब इधर साफा बांध रहे एक दूसरे को। चलो अब निकलने के टाइम मिलते हैं। आ गए, ये हमारी SEC कमेटी का वो, और अभी डॉग भी मिल गया, अभी लाइन से सबको मिल रहा है, फिर डॉग इधर से लेते हुए फिर अभी मिलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। सबको डॉग बांट रहे हैं कमेटी के मेंबर हुसैन भाई। थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, जजाकल्ला। सोच के अभी सब पीछे लाइन से खड़े, अभी हम भी चलते हैं, हमारी कोई जगह ढूंढते हैं, क्योंकि सब डॉग वाले तो खड़े हो गए, और ये नगारे वाले सब खड़े थे भाई। रुक जाओ वाले ने गाड़ी, रुक जाओ सिद्ध भाई, एम एच गाड़ी में पड़ा हुआ है, चलो आप जगह पकड़ लेते हैं, ऊपर अभी खड़े। हेलो, एनी मंथ्स लेटर। और पीछे हो
चलो अभी मिलते हैं आगे, अभी अजान होगी, अजान के लिए रुके, कुछ बोलना मत देना। अजान की वजह से रुके, अभी अजान होती तो फिर निकलते हैं आगे, बहुत सारे गए उनका भी देखिए, पहले डब का ले लेता बराबर क्लियर। ये पब्लिक गाइस देख सकते हो आप कितनी सारी है, पूरी बिल्डिंग बन गई और हमारा घर जाके बलून लगाए थे रात में। और पीने में क्या है? अरे बस क्या भाई, शहीद भाई सब्सक्राइबर है। ईजू भाई अभी हमारी मिलाद चालू हो गई डब की, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत ही अच्छी तरीके से जुलूस चल रहा है, इसी तरह चलते रहे, बस लोग एक दूसरे को कॉपरेट करें और जो जिम्मेदार हजरात है उनकी बातें सुने, बहुत अच्छा लगेगा। सिस्टम भी बहुत अच्छा है और बहुत सिस्टम में चल रहे हैं, इंशाल्लाह जुलूस ताजा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। कुछ बोलना चाहेंगे दोनों मेरे ब्लॉग में? ओके अली ने बोले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके सजाए गए, क्या बोलते किधर भाई मेरे ब्लॉग में कुछ बोलना चाहेंगे? भाई तुमको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस ये दुआ है हमारी। राहुल भाई हाँ सब इधर बहुत सारे जा रहे हैं, हम आगे का भी देखते हैं, इधर बहुत सारे गए, आगे भी चले गए क्योंकि सुन्नी सर्कल से निकला था, आगे का भी देखते हैं, बाजार में जाएगी। अभी पीछे से भी आ रही है बड़ी बड़ी दो टेम्पू, बहुत सारे, और यहाँ हम सजाए थे रात में उसका है। तो गाइस ये अभी तो बताओ क्या बोलना चाहते हो मिलाद के लिए? भाई 25 साल से सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी इसी तरीके से जुलूस निकालती है दब और नगारे के साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह जोश देख रहे हो, गाड़ी को रुका, गाड़ी को रुका। 25 सालों से जो जोश था वो जोश है और वो जोश रहेगा। बोलो सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी। वालेकुम सलाम, अलहमदुल्ला बड़ा ही लुत्फ और मजा आ रहा था, और सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। बोलो बोलो मामू, ये मामू का भी ब्लॉग चल रहा है, मामू का भी लाइक ब्लॉग बना करो, लाइक करो, मेरे भाई को भी लाइक करो, मेरे भाई को भी शेयर करो, ब्लॉग आने वाले हैं। सो ये दूसरा है, मैं दूसरी महफिल गया, और पीछे गाड़ी भी बहुत सारी आ रही है, पुलिस की गाड़ी तो पहले से खड़ी है, आगे का भी देखते हैं। मऊ क्या बोलते हैं इसमें, और पीछे भी बहुत सारी टेम्पो आई है, मामू जल्दी निकल जा, इधर ही भी पुलिस की गाड़ी है। क्या बोलते भाई कैसे मामू? चंद्रयान मिशन सुन्नी दावत इस्लामी का माशाल्लाह, चल चला के चलो, ये सुन्नती दावत इस्लामी का है, सुन्नी दावत इस्लामी का।
गिड़ेंगी। जैसे कि मैं पार्ट वन डालने वाला आपको बोल रहे हैं कि गजल ने आगे की क्लिप नहीं डाला, तो गाइस ये वीडियो ना बहुत बड़ा बना है इसलिए मैं पार्ट वन पार्ट टू डाल रहा हूँ। पार्ट टू भी वॉच करना, पार्ट वन को अच्छे से वॉच करो। और पार्ट वन में कैसा लगा मैंने नाथ पढ़ा वो भी बताना आप कैसा लगा। आवाज़ तो बैठी हुई है फिर भी मैंने नाथ बहुत पढ़ा हूँ। अभी पार्ट टू में मिलते, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं पार्ट टू।